हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई एक्स्ट्रा के बारे में, बिकॉज हुंडई ने इस कार की ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। सो नाउ ये कार ऑफिशियली 10th ऑफ जुलाई को लॉन्च होने जा रही है। एंड रिसेंटली हुंडई ने इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स दोबारा से रिवील की है, तो वो सारी अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि अगर कोई भी लोग इस सेगमेंट पे कोई कार सर्च कर रहा है या कोई हुंडई एक्स्ट्रा ऑप्ट करना चाहता है तो उसको ये सारी अपडेट्स पहले से पता चल जाए, ताकि उनके लिए इजी हो अगर वो ये कार ऑप्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम सारे एक्सपेक्ट पे बात करेंगे, कार का एक्सटीरियर, कार का इंटीरियर, कार की डायमेंशंस, कार के इंजन ऑप्शंस एंड कार की प्राइसिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो गाइस, बात करें हुंडई एक्स्ट्रा की, तो हुंडई एक्स्ट्रा की ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस हो चुकी है। ये कार 10th ऑफ जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च होने जा रही है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस कार के डायमेंशन की, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस कार का डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है टाटा की पंच से, रेनॉल्ट टाइगर से, निसान मैग्नाइट से। सो गाइस, इस मिड एसयूवी सेगमेंट में ये सारी कारें इसके लिए कॉम्पिटिटर कार्स होने वाली हैं। सो गाइस, अगर बात करूं इस कार की डायमेंशन की, तो इस कार में जो हाइट आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1631 mm, एंड जो व्हील बेस इस कार में ऑफर किया गया है वो किया गया है 2450 mm। एंड ये एसयूवी सेगमेंट, मिड एसयूवी सेगमेंट की कार है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। एंड इसकी जितनी भी कॉम्पिटिटर कार आती है वो सब एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, तो इस कार में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है वो मिलने वाली है 185 mm की। और अगर बात करूं इस कार में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो इस कार में आपको 350 L का बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है। बात की जाए इस कार में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की, तो ये कार दो इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। एक आएगी 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, एंड दूसरा इसका 1.2 लीटर कापा बायोफ्यूल CNG इंजन। तो यार, इस कार में आपको CNG का भी ऑप्शन मिलने वाला है। बात की जाए इस कार के पावर फिगर की, तो जो इनका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क, एंड वहीं इसका CNG ऑप्शन प्रोड्यूस करेगा 69 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क। एंड गाइस, जो इसका CNG ऑप्शन है, इसमें आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैनुअल 5-speed ट्रांसमिशन के साथ ही आएगी। सो गाइस, ये तो बात रही इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, अब बात करते हैं इसके लुक की। लुक वैसा देखा जाए तो बहुत सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी लोगों को इसके लुक्स पसंद आ रहे हैं, कई लोगों को इसके लुक्स पसंद नहीं आ रहे हैं। फ्रंट का डिजाइन हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था, फ्रंट देखने में काफी अच्छा लग रहा है एंड काफी कूल लग रही है ये कार फ्रंट से। वहीं बात की जाए, कंपनी ने इसके रियर प्रोफाइल को भी रिवील कर दिया है, और अगर आप रियर प्रोफाइल में देखोगे तो आपको वही जो इसके सिग्नेचर हेडलैम्प का सेटअप आपको आगे देखने को मिल रहा है, वही सिग्नेचर लाइट सेटअप आपको इसके टेल लैम्प में भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली रियर प्रोफाइल इसका ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, बट एज आई सेड, लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हो सकता है कई लोगों को इसके लुक्स पसंद आए। वैसे ये कार एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है, जो एक्सटीरियर में क्लाइडिंग यूज करी गई है, रूफ रेल्स यूज करी गई है, वो इस कार को एक प्रॉपर एसयूवी वाला लुक दे रही है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स कार में भी आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, ये तो रही बात इसके एक्सटीरियर लुक की। अब कंपनी ने फाइनली इसका इंटीरियर लुक भी काफी हद तक रिवील कर दिया है, और अब जैसे आप इंटीरियर से देख रहे हैं, इंटीरियर इसका कई तरह से आपको याद दिलाएगा आइटन नियोस की भी। सो इंटीरियर काफी हद तक आपको आइटन नियोस जैसा देखने को लगेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं इस कार में मिलने वाली सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, वो है इसके फीचर्स। तो ये कार इस सेगमेंट की पहली ऐसी कार होने वाली है जिसमें आपको वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाला है। इसके साथ साथ ये इस सेगमेंट की पहली ऐसी कार होने वाली है जिसमें आपको डैश कैम का ऑप्शन भी मिलेगा इनबिल्ट। फर्स्ट टाइम कोई कंपनी इस सेगमेंट की कार में इनबिल्ट डैश कैम का फीचर लेके आ रही है। तो गाइस, ये कहीं ना कहीं इस कार में मिलने वाला एक ऐसा फीचर है जो बाकी सेगमेंट की सभी कारों में मिस है, एंड ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा है इस कार के फीचर लिस्ट में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस कार में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फीचर दिए गए हैं जो आपको बाकी किसी कार में नहीं मिलते। ये कार 6 एयरबैग्स के साथ आ रही है, विद EBS, विद EBD, हिल असिस्ट, TPMS, जैसे 40 फीचर्स इस कार में दिए जा रहे हैं, जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी और कार में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। बात की जाए इस कार में मिलने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इस कार में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये मल्टीपल लैंग्वेज इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको दी जाएंगी। उसके साथ साथ इनबिल्ट नेविगेशन एंड साउंड ऑफ नेचर जैसे फीचर भी इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिए गए हैं। सो गाइस, फीचर वाइज ये कार अपने सेगमेंट की बेस्ट कार होने वाली है। और फाइनली बात करते हैं इस कार की प्राइसिंग की।
वैसे इस कार की प्राइसिंग अभी रिवील नहीं की गई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इस कार के प्राइस 7.5 लाख टू 11 लाख के बीच में रखे जाएंगे, बिकॉज ये कार फीचर वाइज ज्यादा ऑप्शन आपको दे रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो टाटा पंच से ज्यादा होने वाले हैं। आपको ये कार कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आपको क्या लगता है कि होंडा एक्सटर अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स कार से आगे निकल पाएंगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिए। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।